मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाय इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो, तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। जिंटू बंद करो ये जादू। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बक्टू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सत गंज में बरसात नहीं होगी। You are genius, boss. Super duper genius. फुर्सत गंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहां उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहां उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन बॉस वो आपको पटक पटक के मारेगा। I am mad, very very mad. वहां मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। हे लाइटनिंग रोबो, क्या तुम सच में बिजली फेंक सकते हो? मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बक्टू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। हो गया, मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। मेरा पैर। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये टिम्बक्टू की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बक्टू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बक्टू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया।
कैटमोना अटैक अटैक। कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था, आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। वीर, यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जेल नहीं होता चुलबुल, ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है, किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है, हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो, तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो, इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं किसी डस्टबिन में है। जिंटू, जिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। जीन, जीन। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता, और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया, पहले क्यों नहीं बताया। निकल गया सारा दम, निकल गई सारी हेगड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटो को कहीं और जाके पटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई, वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है, हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ ये बात तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है, इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज, यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ, कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है, पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया?
वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है, अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ, क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। सुंदर है, सब सुंदर है। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए, चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ, हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला। हुला तीरु भाला, हुला हुला हर कोई हाला। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है, अभी यहाँ से चले जाने।